यहाँ पे एक और मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि जो इस समय शरणार्थियों का जो मुद्दा पूरे देश में चला हुआ है जी, उस पर आपका क्या मैसेज है? मैं जो म्यांमार से जो शरणार्थी आए हैं बर्मा से, वो कुछ बांग्लादेश गए हैं, ज़्यादातर और मुल्कों में गए, हमारे देश में भी वो शरणार्थी मुस्लिम रोहिंग्या आए हुए हैं। मेरा अनुरोध यही है, सरकार को भी यही मैसेज है कि हमारी इंसानियत, हमारा कायदा कानून, हमारा संविधान या जो कुछ हमें क्या कहता है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी इंसानियत उसके पर क्या कहती है, हमारा दिल, हमारा ज़मीर क्या कहता है कि जो दुखी लोग हैं, जिनको, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उनको मारा पीटा गया है, कत्लेआम हो रहा है, रेप हुआ है, ऐसे शरणार्थी जब हमारे देश में आए तो हमारा देश का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए ऐसे मौके पर, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होनी चाहिए कि ऐसे मानवता से, मानवता के जो है उनके साथ अमानवीय सलूक किया गया हो और ऐसे लोगों को अपने मुल्क बदर किया गया हो, मुल्क से भगाया गया हो, ऐसे वक्त पे हमारे देश को, हमारे मुल्क को, हमारे सरकार को और हमारी प्रजा को उसको दिल से स्वीकारना चाहिए और उन्हें यहाँ शरण देना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनको रहाइश की, उनको रहने की और माकूल उनके इंतज़ाम की वो करे, वो न देखे कि हमारे ये लोग नहीं रह सकते हैं। जो देश की सलामती का मामला है, देश की सलामती है, आप उस पर पूरी जांच कीजिए, उसको पूरी तरह से देखिए, अगर देश में कोई सलामती लगती हो तो देश में ऐसी सलामती लगती हो तो ऐसे असलामत लोगों को आप मुल्क बदर कीजिए, उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं, कोई वादा नहीं है, लेकिन जो लोग बेकसूर है, जो लोग मासूम है, बच्चे है, औरतें हैं, उनके साथ न्याय का मामला किया जाए और उनको देश के अंदर अच्छी जगह दी जाए और उनको इस देश में रखा जाए, पाला पोसा जाए, ये हमारी विनंती है, ये हमारा पैगाम है, ये हमारा संदेश है। Illegal migrants indefinitely. We must have a system in place. So what I have answered in the parliament is based on the positions of law which we have. So I would like to tell those organizations who are criticizing the government, people of India, please don't accuse India of intolerance, don't accuse India of violation of the human rights. We value human rights.